नमस्कार, मैं हूं पंकज अरोड़ा। फरीदाबाद टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सूरजकुंड मेले से। 31वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला अपने शबाब पर है, लेकिन लोगों की भीड़ का आना कम नहीं हो रहा। लगभग आखिरी पड़ाव की ओर चल रहे सूरजकुंड मेले की सफलता इसी बात से लगाई जा रही है कि मेले की ओर आने वाली सड़क जाम से जूझ रही है। भारी जाम में फंसने के बाद भी लोग मेले में देखने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको आज एक ऐसे नेशनल अवार्डी हस्तशिल्पी से मिलवाते हैं जो कि तेलंगाना से आया है और गोल्डन लीक से बनी पेंटिंग लाए हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको स्टॉल नंबर 1015 पर। नमस्कार, मेरा नाम कलाश्री पीजी केशोल है। तंजावुर पेंटिंग काम मेरा काम है। तंजावुर पेंटिंग आंध्रा में गोल्ड लीक पेंटिंग का नाम है, कर्नाटका में मैसूर पेंटिंग का नाम है। ऐसा एक एक प्लेस में एक एक अलग अलग नाम है। ये पुरातन चित्रकला है, सनातन चित्रकला है। वी आर यूजिंग 22 कैरेट गोल्ड फॉइल एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ट्रेडिशनल कलर्स आल्सो। एज पर सामुद्रिका लक्षण वी आर मेकिंग दिस टाइप ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट। In Surajkund, I got 2 times Kalashri Award and दो बार यहाँ से आ गया। Response अच्छा है, यहाँ से sale भी अच्छा है, मेरा काम अच्छे से चलता। No doubt काम तो बहुत बढ़िया है, बट कहीं जैसे बताया आपको थोड़ा हमारे बजट से ओवर बजट जा रहा है हमारा। ये कितनी खूबसूरत, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनफैक्ट बात करें मेले की, मेला कैसा लग रहा है? मेला तो साल में एक बार लगता है, हम लोग जरूर आते हैं मेला देखने।